दोस्तों आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 9 10th और 11 12th का अभी तक फाइनल आंसर की पब्लिश नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज फिर से एक नई डेट पब्लिश की गई है। विभाग की ओर से तो नहीं ऑफिशियल अपडेट कहा जा सकता है, लेकिन आपको एक संवाद के माध्यम से बता दें जो न्यूज़ 18 के द्वारा हमेशा आपको बताया जाता है कि रजनीश कुमार के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कि उसका आपको बता दें कि आंसर की कब आने वाला है 9 10th और 11 12th का। आपको बता दें कि 9 10th का जो आंसर की है वह 27 सितंबर को आने वाली है, 27 सितंबर, और वहीं हम 11 12th का बात करें फाइनल आंसर की वह 30 सितंबर को आने वाली है। साथियों अगर आपको हम बात करें कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, जब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं पब्लिश होगा। रिजल्ट को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि टीआरई 3 का रिजल्ट अब जो सूचना रही है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में क्यों जारी किया जाएगा थोड़ा सा देखिएगा। इधर देखिए ये महीना तो आपको ऐसे ही बीत रहा है, 27 तारीख को आपको 9 10th का मतलब जो है फाइनल आंसर की, और 30 सितंबर को आपको बता दें कि 11 12th का आंसर की जारी किया जाएगा। और वहीं अगर बात किया जाए, शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थियों में बढ़ रहे हैं आक्रोश। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आप रोस्टर क्लियरेंस जल्द ही नहीं करेंगे या रिजल्ट जल्द जारी नहीं करेंगे तो 27 सितंबर को आपको आंदोलन आह्वान किया जाएगा। साथियों इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया है आयोग को कहे या शिक्षा विभाग को कहे। यहीं इसी बीच एक अपडेट आ रही है टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 3 का जब तक फाइनल आंसर की पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जीएडी की ओर से पत्र नहीं मिल जाता है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, तब तक आपको रिजल्ट जारी होने वाली है नहीं, है ना। यहीं अगर इसी बीच बात करें तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट की बात की जा रही है। अब क्या कुछ अपडेट है थोड़ा सा देख सकते हैं कि अब टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा, मतलब रिजल्ट में आपको बता दें कि 50% आरक्षण वाला रोस्टर लागू होगा, जो कि 65% वाला है वह नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है आपको पता है। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाय ने दी है। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर की लागू किया जाएगा, मतलब पुराना जो आपको आरक्षण रोस्टर है वही 50% वाला लागू किया जाएगा। तो इसमें आपको बता दें थोड़ा सा समय लग रहा है और नए सिरे से विभाग आपको रिजल्ट बनाने में लगी हुई है, इसी कारण आपको बता दें कि लेट लग रहा है। साथियों इसके अलावा और कुछ क्या कुछ विभाग के अंदर चल रही है यह तो आपको स्पष्ट वे में कोई नहीं बताएगा। फिलहाल विभाग का क्या मंशा है, कब रिजल्ट जारी करती है यह देखने वाली होगी। जैसे जैसे अपडेट आता है हम आप तक पहले पहुंचाते हैं, और इसी तरह से नया अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो आपको हम पहले व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप एक लिंक को क्लिक करिएगा तो लिंक को क्लिक करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरह का अपडेट वहाँ पर हम पहले ही डाल देते हैं। साथियों चलिए आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।